हेलो वांगशु लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो यिंग जैसे ही वांग जी को लंजा बुलाता है, वांग जी एकदम फ्रीज रह जाता है। वो यिंग ये देखकर कहता है, लंजा इसका मतलब तुम मुझे सुन सकते हो और क्या तुम मुझे देख भी सकते हो? इस पूरे टाइम जब मैं तुमसे बात करता आ रहा था तुमने मेरी सारी बातें सुनी थी। वांग जी ना तो हाँ में सिर हिलाता और ना ही वो यिंग से कुछ कहता, लेकिन उसके फेस पर जो एक्सप्रेशंस थे उन्हें देखकर वुइंग को अपना जवाब मिल गया था। वुइंग फिर से अपनी बात रिपीट करता है, इसका मतलब इस पूरे टाइम तक। तभी वांग जी फाइनली हेजिटेट करते हुए कहता है, वुइंग। वुइंग को अब पूरा विश्वास हो जाता है कि वांग जी शुरुआत से उसकी सारी बातें सुनता आ रहा था, क्योंकि वुइंग ने सबसे पहले उसे खुद को इंट्रोड्यूस किया था और अपना नाम बताया था। वांग जी फिर से उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वुइंग उसकी बात सुनने के लिए वहाँ नहीं रुकता। वो वांग जी का सामना नहीं कर रहा था, जिसका पहला रीज़न था कि उसे बहुत एम्बैरसिंग फील हो रहा था। एक महीने से उसने वांग जी से इतनी सारी बातें की थी बिना ये जाने कि वांग जी उसकी बातें सुन पा रहा है। और दूसरा कारण था कि वांग जी एक महीने तक बिल्कुल ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है जैसे वुइंग उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक दिन वांग जी किचन में था, वुइंग के फ्लावर्स को पानी दे रहा था। वुइंग वहाँ से होकर गुजरता है। वांग जी फिर उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत वुइंग फिर से वानिश हो जाता है। 3 दिन तक वुइंग वांग जी को पूरी तरीके से अवॉइड करता है। वुइंग मन में सोचने लगता है, तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कैसा लगता है जब कोई जानबूझकर हमें इग्नोर करता है। रात को जानबूझकर वुइंग वांग जी के रूम के बाहर लाउडली विजल करने लगता है। जब वांग जी सो जाता है तो वो उसके डेस्क पर रखे सारे पेपर्स को जानबूझकर रीअरेंज कर देता है और ऐसे ही अपने फालतू के छोटे मोटे प्रैंक्स खेलने लगता है और मन में सोचता है, उसे पता चलना चाहिए कि मुझे कितना हर्ट हुआ है। 4th दिन जब वुइंग वांग जी के रूम के बाहर लाउडली विजल कर रहा था, वांग जी दरवाजे को नहीं खोलता पर रूम के अंदर से ही कहता है, वुइंग। वुइंग विजल करना बंद कर देता है पर वो वांग जी की बात का जवाब नहीं देता। वो काफ़ी समय के लिए वहीं साइलेंट खड़ा रहता है। तब वांग जी फिर उससे कहता है, मैं समझ सकता हूँ अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था और ना ही तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील कराना चाहता था। मुझे माफ़ कर दो वुइंग। वुइंग को पता चलता है कि वांग जी सच में गिल्टी फील कर रहा है, क्योंकि इतने दिनों तक उसके साथ रहने के बाद वुइंग इतना तो समझ गया था कि वो एक रेस्पेक्टफुल मैन है। वुइंग फिर भी वहाँ साइलेंटली ही खड़ा रहता है तो वांग जी कहता है, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए, गुड नाइट वुइंग। वुइंग उसके रूम के बाहर ही बैठ जाता है। वो फिर से विजल करने लगता है, लेकिन इस बार वो लाउड वॉइस में और उसे इरिटेट करने के लिए विजल नहीं करता, बल्कि एक स्वीट सा सॉन्ग गाता है जो यानली उसे सुनाया करती थी जब वो बच्चा था। उस सॉन्ग को सुनने के बाद वांग जी अपने बेड पर करवट लेने लगता है, जिसे सुनकर वुइंग बाहर बैठा मुस्कुराने लगता है। वुइंग अब तब तक विजल करता है जब तक उसे वांग जी के सोने की सॉफ्ट साउंड्स ना सुनाई देने लगे। अगले दिन वांग जी के घर शिचान फिर से विजिट करने आता है और इस बार वो वे विशन से कहता है, तुम्हें मुझे माफ़ करना होगा कि मैंने तुम्हें पहले खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। मेरा नाम लान शिचान है, मैं वांग जी का ओल्डर ब्रदर हूँ। तुम वे विशन हो ना? वुइंग ब्लिंक करते हुए कहता है, ग्रेट, तो तुम भी मुझे अब तक देख सकते थे। तुम दोनों भाइयों की प्रॉब्लम क्या है? बस मैं ही हूँ यहाँ जिसमें मैनर्स हैं। लान शिचान स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, क्यों ना हम टी पिएं और साथ में कुछ बातें करें। वांग जी अपने वर्क पर गया हुआ था। शिचान किचन में जाता है और वुइंग के लिए चाय बनाने लगता है। वुइंग जिसे देख कर कहता है, तुम जानते हो मैं ये ड्रिंक नहीं कर सकता। शिचान उसकी तरफ चाय का कप करते हुए कहता है, तुम्हें इतना रूड नहीं होना चाहिए। वुइंग कहता है, आपको इल्यूजन देने के लिए मैं इसे फ्लोर पर भी फैला सकता हूँ। शिचान हंसते हुए कहता है, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर उसका किचन का फ्लोर इतना मैसी होगा तो। वुइंग कहता है, क्या उसे पता भी है कि आप यहाँ हैं? शिचान कहता है, शायद उसे नहीं पता। और वो मन में सोचने लगता है, मैंने खुद सोचा कि मुझे इस मैटर में बीच में पड़ना ही पड़ेगा। शिचान वुइंग से कहता है, जहाँ तक मुझे लगता है वांग जी ज़रूर चाहता होगा कि मैं यहाँ विजिट करूँ, वरना वो मुझे ये नहीं बताता कि वो तुम्हें कांटेक्ट करने का सोच रहा है। वुइंग मुँह बनाते हुए कहता है, कांटेक्ट करने का? क्या मैं कोई सेक्सी न्यू एलियन हूँ? शिचान कहता है, मैं आपकी नाराज़गी समझ सकता हूँ, लेकिन आपको समझना होगा,
आप पहली घोस्ट नहीं हैं जिनसे हमारा सामना हुआ है, और ना ही आप लास्ट घोस्ट होंगे। घोस्ट को देखने की एबिलिटी हर एक लैंड में होती है। हमें भी ये एबिलिटी हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, और हमें यंग एज से ही सिखाया गया है कि हमें इसे कैसे मैनेज करना है। उइंग कहता है, तुम इसे मैनेज करना कहते हो, इसे इग्नोर करना कहा जाता है। शिजन कहता है, नहीं, क्या आपने कभी कोई घोस्ट देखा है विभूषण? उइंग कहता है, मैं हर टाइम घोस्ट देखता हूँ जब भी मैं किसी मिरर के पास से होकर गुजरता हूँ। शिजन कहता है, आपने अपने अलावा क्या कोई और घोस्ट देखा है? विभूषण तुरंत ना में सिर हिला देता है। शिजन कहता है, ऑफकोर्स आपने नहीं देखा, क्योंकि किसी मरे हुए को समझने की एबिलिटी बहुत कम होती है, और उसके साथ कॉन्टैक्ट रखने की एबिलिटी तो और भी कम होती है। उइंग कहता है, इसका क्या मतलब है? शिजन कहता है, जनरली घोस्ट काइंड नहीं होते विभूषण, जितना ज़्यादा वो भटकते रहते हैं उतना ज़्यादा उनकी रिसेंटफुल एनर्जी ग्रो करने लगती है, वो और भी ज़्यादा लोनली हो जाते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको मरे हुए कितने दिन हो चुके हैं? उइंग एक सेकेंड के लिए हेजिटेट करता है, लेकिन वो शिजन से कह देता है, मुझे 3 साल हो चुके हैं। शिजन पूछता है कि आपको अपनी डेथ के बारे में कुछ याद है? विभूषण कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। शिजन कहता है, आपको 3 साल हो चुके हैं, आपको कैसा फील होता है? विभूषण कहता है, अब मैं बेटर हूँ, लेकिन मुझे एक समय पर बहुत बुरा लगता था। शिजन कहता है, ज़रा आप इमेजिन करिए, एक ऐसा घोस्ट जो 10 साल से भटक रहा है, 50 साल से या 100 साल से भी, और अचानक से उसे अपने सामने एक यंग मैन दिखाई देता है, और उसे पता चलता है कि वो यंग मैन उसे सुन सकता है, उसे देख सकता है। आपको क्या लगता है वो घोस्ट किस तरह बिहेव करेगा? उइंग कहता है, मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, पर मैं लंजा को कभी हर्ट नहीं करता, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं लोगों को हर्ट नहीं करता। शिजन उससे कहता है, शायद आप उसे हर्ट नहीं करते, लेकिन ये बात वांग जी को कैसे पता चलती? हमें तो बस इतना पता था ना कि आप क्या क्या करने के केपेबल हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैंने और वांग जी ने काफ़ी सारे ऐसे पीसफुल घोस्ट को देखा है जो समय के साथ साथ और भी ज़्यादा भयानक होते गए हैं। उइंग कहता है, तो आप मुझे यहाँ लंजा के कैरेक्टर के बारे में बताने आए हैं, और मुझे कन्विंस करने आए हैं कि वो जितना फ्रिजिड दिखता है उतना है नहीं। शिजन फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये दिखाने की ज़रूरत है, आपने खुद ही देख लिया होगा कि उसके पास कितने सारे रैबिट्स हैं। विभूषण हंसते हुए कहता है, हाँ, लेकिन इसके लिए मैं लंजा को ब्लेम नहीं कर सकता, वो रैबिट्स हैं ही इतने क्यूट, कभी कभी तो मैं भी उनके साथ खेलता हूँ। शिजन मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं समझ सकता हूँ कि क्यों वांग जी ने आपके साथ कॉन्टैक्ट करने का डिसाइड किया होगा। उइंग फिर ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, वैसे हम दोनों के बीच एक कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। शिजन कहता है, फाइनली आपसे मिलकर और बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने वांग जी को उस दिन ही कहा था कि आप हार्मलेस मालूम होते हैं, अब तक वो शायद यही बात सोच रहा था कि वो किस तरह आपसे बात करना शुरू करे। शिजन अब दरवाजे की तरफ जाने लगता है, तो विभूषण उससे कहता है, आप यहाँ विजिट करने फिर से ज़रूर आएंगे ना? शिजन कहता है, विभूषण, मेरा भाई यहाँ रहता है, तो आई एम श्योर आपको मैं देखने के लिए अक्सर मिलता रहूँगा। शिजन जब वहाँ से बाहर जाने लगता है तो वो अचानक से रुक जाता है। उइंग उससे कहता है, क्या हुआ, क्या आप कुछ भूल गए हैं? शिजन उसकी तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, विभूषण, मुझे तुम बहुत ही काइंड और इंटरेस्टिंग पर्सन लगी, मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास करता हूँ जब तुमने कहा कि तुम मेरे भाई को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे, लेकिन अगर मुझे पता चला कि आप वांग जी के लिए खतरा हैं तो मुझे आपको एक्सोरसाइज करने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। उइंग उसकी बात पर वहीं खड़ा रह जाता है, उसके फेस पर एक ब्लैंक एक्सप्रेशन था। शिजन फिर से स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात वांग जी को घर आते आते काफ़ी लेट हो जाता है। वांग जी जैसे ही अंदर आता है, विभूषण तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, लंजा, आज तुम्हें घर आते आते काफ़ी लेट हो गया, मैं सोच रहा था कहीं तुम्हारे स्टूडेंट्स ने तुम्हें जिंदा तो नहीं खा लिया, वो ग्रेड्स देखने के बाद जो तुमने लास्ट ऐसे पर उन्हें दिए थे। थैंक गॉड तुम टाइम से वापस आ गए, वरना मैं तुम्हारे रैबिट्स को ये खबर देने ही वाला था। वांग जी साइलेंटली विंग को थोड़ी देर तक घूरने लगता है और फिर उससे कहता है, मैं फैकल्टी के साथ डिनर पर गया हुआ था। विभूषण उससे कहता है, और मैं बैट लगा सकता हूँ तुमने मोस्ट बोरिंग डिशेज ऑर्डर की होंगी। वांग जी फाइनली वहाँ का दरवाज़ा बंद करते हुए कहता है, क्या आज ब्रदर तुमसे मिलने के लिए आए थे?
वो यिंग कहता है, ओके तो तुम डायरेक्टली इस बारे में ही बात करना चाहते हो, ठीक है। हाँ वो आज यहाँ आए थे, हम दोनों ने साथ में टी भी पी थी। वांग जी कहता है, टी? वो यिंग कहता है, हाँ मैंने तो तुम्हारे ब्रदर से कहा था कि मुझे टी देने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो टी वेस्ट ही करेंगे, पर तुम्हारे ब्रदर इंसिस्ट कर रहे थे। वांग जी अपने डेली रूटीन फॉलो करता है, अपने बैग से लैपटॉप निकालता है, सारे पेपर वर्क निकालता है और डेस्क पर रख देता है। वहींग कहता है, शायद रैबिट्स हंग्री हैं। वांग जी उसकी तरफ देखता नहीं है, वो बस कामली कहता है, हम एक मिनट बाद उनको खाना खिलाने चलेंगे। अब तो जैसे वहींग को अपने लोनली लेस का साथी मिल गया था। पूरे घर में वांग जी जहाँ भी जाता था वहींग उसके पीछे पीछे जाता था और उनकी कॉन्वर्सेशन कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। वहींग अपनी नॉन स्टॉप बातें करता रहता था, वांग जी उसे बस सुनता रहता था और लास्ट में बस एक सॉफ्ट सा सेंटेंस कह देता था। वो दोनों साथ बैठकर वांग जी के फेवरेट गेम शोज़ देखते थे और साथ मिलकर ही गेम शोज़ के क्वेश्चंस के आंसर दिया करते थे। एक दिन जब वो दोनों टीवी देख रहे थे, गेम शो होस्ट एक क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन एक्टर था जिसे 2018 में एमी अवार्ड मिला था? वहींग तुरंत देखकर कहता है, आंसर सी। वांग जी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम तब तक मर चुके थे जब ये मूवी आई थी। वहींग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ शायद, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं घोस्ट बनने के बाद टीवी नहीं देख सकता लंजा। वांग जी जब वर्क पर हुआ करता था, विभूषण मोस्ट ऑफ द टाइम अपना उसका इंतज़ार करने में ही निकाल देता था और उसे ये बात काफ़ी अजीब लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वो वांग जी से ओवरली अटैच होता जा रहा है। हफ्ते में एक या दो बार शिचैन उन दोनों को डिनर के लिए ज्वाइन किया करता था। शिचैन और वांग जी डिनर के वक्त कुछ नहीं कहते थे। शिचैन विभूषण को बताता है कि वो मील के वक्त हमेशा शांत रहते हैं, बचपन से उन्हें यही सिखाया गया है, लेकिन विभूषण इस बात का फ़ायदा उठाता था और ऑल द टाइम उनसे बातें करता रहता था, क्योंकि वो एक घोस्ट है तो घोस्ट तो खाना खा नहीं सकता। एक दिन शिचैन जब डिनर टेबल पर बैठा हुआ था तो वो विभूषण से कहता है, तुम एक बार फूड को ट्राई करके तो देखो। विभूषण कहता है, जब आपने मुझे टी ऑफ़र की थी मैंने तब भी आपको बताया था, कोई भी फूड जब मैं टच करता हूँ तो वो डायरेक्टली फ्लोर पर गिर जाता है। शिचैन कहता है, मैं इसे फिज़िकली लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सोच रहा था क्यों ना आप इसका एसेंस ले सकें। वहींग कहता है, एसेंस? लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? शिचैन वांग जी से कहता है, वांग जी तुमने उन्हें नहीं बताया? वांग जी कहता है, उसने मुझसे पूछा ही नहीं था, मुझे लगा शायद वो अनइंटरेस्टेड है। शिचैन फिर से विभूषण की तरफ मुड़ते हुए कहता है, आपको क्या लगता है मरे हुए लोगों को क्यों फूड ऑफर किया जाता है, उन्हें ऑफरिंग्स दी जाती हैं? क्योंकि अगर उस फूड का एसेंस यानी उसका फ्लेवर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो शायद आप उसे टेस्ट कर सकेंगे। वहींग कहता है, सीरियसली? मुझे इस बारे में नहीं पता था। शिचैन कहता है, क्योंकि आप अभी यंग हैं ना, आपको घोस्ट बने ज़्यादा समय नहीं हुआ है, धीरे धीरे आप सब कुछ सीख जाएंगे। वहींग कहता है, तो मुझे क्या करना होगा? वांग जी कहता है, तुम्हें बस ब्रीथ करना है। वांग जी वहींग के सामने सूप का बाउल रख देता है। वहींग अपनी आँखें बंद करता है, उस सूप को देखते हुए जितना ज़्यादा गहरी हो सके उतनी गहरी सांस लेता है, और जैसा लैन ब्रदर्स ने कहा था बिल्कुल वैसा ही होता है। जो फेंट स्मेल उसके अंदर जा रही थी वो एक टेस्ट के रूप में उसे फील हो रही थी। टेस्ट काफ़ी माइल्ड था, लेकिन ऐसा टेस्ट था जो विभूषण ने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं लिया था। विभूषण को वो फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हमारे फैमिली के फ्लेवर्स आपको पसंद नहीं हैं। विभूषण पूछना तो चाहता था कि ये किस तरीके का टेस्टलेस फूड है, पर वो सोचने लगता है ऐसा कहना रूड होगा, और वो शिचैन से कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी काफ़ी लंबे समय से बिना किसी फूड के रहता आ रहा हूँ। अगली रात से वांग जी और वहींग डिनर के वक्त साथ थे। वहींग देखता है कि डाइनिंग टेबल के पास वांग जी वहींग के लिए भी एक चेयर रख रहा था। वहींग उससे कहता है, लंजा तुम्हें सच में ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे ब्रदर ने जो भी कुछ कहा वो भूल जाओ, फालतू में फूड वेस्ट ही होगा। वांग जी उसका कोई जवाब नहीं देता, अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वहींग भी उसका इशारा समझता है और चेयर पर बैठ जाता है। जो फूड वांग जी के सामने रखा था वो हमेशा की तरह प्लेन टेस्टलेस दिख रहा था, लेकिन विभूषण के सामने हॉट स्पाइसी फ्लेवर वाला फूड था।
जिसे स्मेल करने के बाद विभूषण को बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा फूड 3 साल बाद उसने खाया था। वांगजू उससे पूछता है, क्या ये अच्छा है? विभूषण बार बार उस फूड को स्मेल किए जा रहा था और वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी। वुइंग वांगजी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला रंजा? वांगजी कहता है, तुमने एक बार मुझे बताया था कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है। वुइंग को याद आता है हफ्तों पहले, जब वुइंग को पता भी नहीं था कि वांगजी उसकी बात सुन सकता है, तब वुइंग ने उसे बताया था कि वो स्पाइसी फूड खाना पसंद करता है। वुइंग की आंखें जैसे एकदम नम हो जाती हैं और वो वांगजी से कहता है, थैंक यू वेरी मच लंजा। वांगजी उससे कहता है, इसमें थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वुइंग बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था, सालों बाद किसी ने उसके लिए कुछ किया था। वांगजी अपना डिनर करना शुरू कर देता है और वुइंग बस उसे ही देखता रहता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा ये पार्ट आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।